सो हेलो गेमर्स, तो यार आ चुके हैं हम एक और वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में गाइस हम खेलने वाले कल का लास्ट टूर्नामेंट, मीन्स कल में तक गाइस ये लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है जो कि इंडिपेंडेंस डे का था। तो मैं तो भाई इंडिपेंडेंस डे का एंड लास्ट टूर्नामेंट है भाई, खेलना पड़ेगा। एंड सबको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मालूम है एक दिन लेट बोल रहा हूँ, लेकिन पिछले बार बोल नहीं पाया क्योंकि वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मैं, तो वो सब छोड़ते गाइस यार, बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। एंड इस बार हमारे पार्टनर है गाइस BTW कराटे, जो कि मेरे से खेलती है। एंड लेट्स गाइस देखते हैं हमारा क्या हाल होने वाला है। तो हम फेज वन में फर्स्ट राउंड आ चुका है गाइस हमारा हम्बल स्टम्बल। एंड हम्बल स्टम्बल भाई मेरे को पता था स्टार्टिंग में जो बम्पर रहता था पंच का जो धड़ाका चढ़ने वाला है ना, मेरे को मालूम था, इसलिए मैं भी फुल रेडी था। तो मैं सोचा भाई पंच मारूंगा एंड मैं यहाँ पर मारता भी हूँ, लेकिन चूक जाता है और यहाँ पर कोई पंच नहीं मारता है, जो कि अच्छा रहता है। एंड का यहाँ पर सब के सब भाई पापा के परी स्किन पहन के पता नहीं क्यों जा रहे, मैं सोच रहा था। तो वो सब छोड़ते, ये सब तो चलता ही रहेगा। एंड यहाँ पर भाई बहुत गंदा फटका बैठता है एंड यहाँ पर मैं जंप ग्लिच हो जाता है, जिसके लिए मैं जंप नहीं कर पाता। एंड वहाँ पर कराटे आगे जारी रहती है, वो भी एलिमेंट रहती है, बट वो आई डी प्रॉन्टिक करे कोई तो बंदा था, उसने स्केलेटन को मार दिया एंड हमारा एक पॉइंट हो जाता है। एंड यहाँ पर सेकेंड राउंड आ जाता है स्पिनको राउंड। एंड यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, मैं स्लाइड गलत हो जाता है, तो यहाँ पर मैं वो तो कराटे फेंका जाती है बहुत। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा पंच मार के क्या ही एलिमेंट करता है मेरे को, देख रहे हो। फिर ऊपर से गाइस तो पिंग भी आने लग जाता है धीरे धीरे, तो मैं सोच रहा भाई अब तो एलिमेंट गारंटी है। तो मैं ऐसे जाता हूँ, लेकिन वो बंदा भी हक देता है जो लेफ्ट में जा रहा था। और यहाँ पर पता नहीं मेरा ट्रिक फेल हो गया, तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ही मेरा ट्रिक फेल हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरे को। तो मैंने देखा एंड अभी यहाँ पर कराटे ने वापस एक पॉइंट ले लिया, जो कि सही है। एंड यहाँ पर थर्ड आ जाता है ओवर एंड अंडर, तो यहाँ पर अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मस्त में जा रहा था, मैं इसको धड़ाक पंच करता हूँ, लेकिन यार पता नहीं क्या होता है मेरा पंच मारते कैरेक्टर रुक जाता है भाई, मैं सोचा था होएगा भाई। तो यहाँ पर पता नहीं मैं क्या कर रहा, मस्ती खेल खेल के पंच दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो जो ही पिंग आता है ना भाई क्या ही बोलूँ, यहाँ पर पिंग आया जा रहा, वरना आराम से भाई मैं क्वालिफाई हो जाता आराम से था। तो कोई नहीं यार, वो भी गया और मेरी आवाज़ बहुत ही अलग लग रही, गारंटी, बिकॉज अभी सो के उठा हूँ, वॉइस ओवर दे रहा हूँ, बिकॉज भाई वीडियो कौन डालेगा जाऊँगा मैं वापस सोने वीडियो वॉइस ओवर करने के बाद एंड अपलोड करने के बाद। तो यहाँ पर फोर्थ राउंड आया था गाइस हम्बल स्टम्बल वापस से, तो इस बार गाइस पोजीशन भी अच्छी रहती है एंड हम बहुत आगे चले जाते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। एंड यहाँ पर मैं जांच का टकराने वाला था, लेकिन कैसे तो बच गया, मेरी स्पीड अच्छी थी। एंड यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं फर्स्ट आ चुका था। एंड यहाँ पर कराटे भी अपनी विजय जो कि सही थी, ये फर्स्ट राउंड मतलब यह हम दोनों एक बार क्वालिफाई हो गए, जो कि बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पर वापस ओवर अंडर आ जाता है, तो यहाँ पर देख रहे हो भाई कितना भीड़ लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सोच रहे पंच करने को, लेकिन उसने मैं सोच रहा था पंच के लिए, कराटे ने पंच किया एंड वो पीछे रह गई, तो क्या ही करे। तो अब मैं यहाँ पर फुल स्पीड से आता हूँ, मतलब एकदम ट्रिक फेल हो गई, लेकिन कोई नहीं यार चलता है बहुत। तो वो उसको हैमर ने फटका दे दिया ज़ोरदार, और यहाँ पर मैं ज़्यादा रुकता हूँ एंड यहाँ पर मस्त में ट्रिक मार के मैं तुरंत भाग जाता हूँ एंड यहाँ पर हम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी वापस से आ जाता था गाइस हम्बल स्टम्बल, तो इस मैप पे बस स्पिन को राउंड हम्बल स्टम्बल एंड ओवर अंडर था, इतना तो मेरे को मालूम पड़ गया था। तो यहाँ पर मैं सोचा पंच पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ा, जो कि सही था। तो हम एकदम फुल आगे चल रहे थे, मस्त था जो कि अपने लिए। एंड यहाँ पर ना टूर्नामेंट में सबसे एक चीज़ मेरे को गंदा ये लगता है कि इसके ना पंच ना अलाउड क्यों रहता है भाई, टूर्नामेंट है इसकी इज्जत करो यार, लेकिन क्या ही करे यार, किसको इज्जत करना आता है, चीनी पंच रखेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर पंच करने बैठता तो मैं भी एलिमेंट होता था, ये तो गारंटी था। तो मैंने छोड़ा भाई, मैं बोलता भाई मैं जा रहा हूँ क्वालिफाई करने। तो यहाँ पर अभी वापस हम्बल स्टम्बल आते हैं भाई, पता नहीं कितना हम्बल स्टम्बल आया जा रहा है, तो कोई नहीं यार चलता रहेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग की बॉडीज देख रहे हो, स्टार्टिंग की बॉडी वगैरह बहुत गंदा में, और यहाँ पर ये 3 मिलीलीटर वाले आगे चल रहे, तो मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ फटका बैठता है एंड ज़रा टाइमिंग भी गलत रहता है एंड सब कुछ भाई कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखो भाई वो दोनों बंदे भाई इजीली क्वालिफाई कर गए, तो क्या ही करें अब। तो ये फर्स्ट राउंड है जिसकी में हम दोनों एलिमेंट हुए एंड यहाँ पर जो सेकंड राउंड था वो भी चल रहा है एकदम मस्त में भाई, मेरे को तो पता था भाई ये राउंड में ही क्वालिफाई, जो उसको स्टार्टिंग में जो राफ्ट बजा के दिया ना भाई, फीलिंग आ गई मेरे को, मैं सोचा भाई अभी देखो भाई क्या क्वालिफाई करता हूँ भाई। तो यहाँ पर मैं एकदम फुल मैं पता टकरा, लेकिन तो भी मैं रिस्क लेता एंड देखो भाई क्या होता है। एंड उसके बाद बहुत गंदा स्कैम हुआ था एंड ये बंदा मेरे सामने था, मैं उसको पंच मार के एलिमेंट करूँ, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे से यहाँ पर लिटरली क्राउन का इमोट दब गया, वरना ये क्राउन मतलब ये मैं क्वालिफाई कर लेता इजीली। तो उसके बाद से भाई जो कराटे ने 2-4 बजा के दिया ना मेरे को, बजाया मतलब ऐसे मजाक का बोल दिया भाई हटा दे, तो मैंने हटा दिया, सब कुछ हटा दिया भाई, बस एक हक रखा हूँ और 3 पंच रखा हूँ। मैं सोचा था हक भी हटा ले, बस क्या पता
सर्वाइवल वर्ल्ड मैप आ गया तो एलिमिनेट कर देंगे। तो यस, तो यहाँ पर अभी हम जा रहे थे फुल स्पीड से, मेरा किसी को पंच मारने का इरादा नहीं था क्योंकि मैं खुद भी पीछे था, एंड कराटे हक देती यहाँ पर, एंड हम यहाँ पर फुल स्पीड से आ रहे थे, एंड ये बंदा पता नहीं क्या दुश्मन लेके बैठा है, मारता है मेरे को, और यहाँ पर मैं अच्छा हुआ ज़्यादा दूर नहीं फेंका है वरना मैं भी हेलमेट था अभी। एंड यहाँ पर हम इजीली क्वालिफाई कर गए वापस से, और मेरे को नहीं पता भाई अचानक फेज़ वन में ये प्राइवेट पुश कहाँ से आ गया भाई, इसके रैंडम मैप से भाई छोड़ो। तो यार इजीली हमको क्वालिफाई करना है बस, कैसे भी करके फेज़ टू तक पहुँचना है, फेज़ टू पहुँचना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो हम लोग को कोई टेंशन भी नहीं था। ये बंदा वो पंच किए जा रहा है भाई, दो तीन चार बंदे भाई देख रहे हो, बंदे पंच किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई अभी हम आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो हम दोनों भी आगे रहते हैं। मैं यहाँ पर भाई देख रहा हूँ हल्का सा छू गया भाई, वो हल्का सा छू गया मेरे को, तो मैं सोचा भाई ये कराटे कर लेंगे क्योंकि वो सबसे आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी स्कैम हो जाता है वो जो मान ना, ये जो होता है ट्रैम्पोलिन पर हम जंप करते लेकिन जंप नहीं होता भाई, टाइप करके उड़ता है तो वही रहता है, कुछ नहीं हो पाता। तो हमारा पोजीशन ऑलमोस्ट 55 था, 80 बंदे क्वालिफाई हो सकते थे, 80 टीम, तो हम इजीली क्वालिफाई कर गए। तो अभी हम सोच रहे थे भाई अभी हम अच्छा खेलेंगे, तो पिछले बार में तो मैं हग रहा था, तो अभी इस टाइम देखते हैं कैसे कैसे खेलते हैं। तो आई साइड आ चुका है यहाँ पर फेस टू का फर्स्ट राउंड में, एंड यहाँ पर इनका एक बंदा नहीं आ रहा था, तो ईजी था हम दोनों क्वालिफाई करेंगे एकदम ईजी, बस वो अच्छे से खेल ले। तो मैं यहाँ पर ट्रिक बहुत खतरनाक करता हूँ लेकिन लास्ट में ज़रा सा चूक जाता, लेकिन कोई नहीं हम दोनों आगे रहते, एंड बस ये ट्रिक होने के मैं समझ रहा था भाई हम दोनों क्वालिफाई हो चुके इजीली, दो पॉइंट हमारा हो चुका है स्टार्टिंग राउंड में। तो यहाँ पर बहुत इजीली स्ट्रिक विक मार के एकदम स्टाइल वाइल मार के क्वालिफाई करता हूँ मैं, एंड यहाँ पर सेकंड राउंड वापस से आई साइड आता है, एंड यहाँ पर बंदे ने ट्रिक फेल करवा दी थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर हूँ एंड गाइस चैट्स में मेरे को बताना, चैट्स बोल रहा हूँ मैं कमेंट में, क्या पक्का पक्का बोलो, देखो यहाँ पर मैं क्या हगा हूँ, और पक्का बोलो मेरा गेम प्ले इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। देखो पहले मैं क्या करता था, दिन में दो तीन दिन में एक दो मैच खेलता था, लेकिन अब हर दिन मैं ऑलमोस्ट 10 राउंड लेता हूँ ताकि मेरे प्रैक्टिस जमे रहे, एंड यहाँ पर मैं भाई हक के भी लेकिन कैसे तो बच जाता हूँ। और यहाँ पर आ जाता है लावा रश, एंड लावा रश में हम दोनों एक दूसरे को बॉडी कर रहे थे, क्या ही कर रहे हो अब, तो लेकिन कोई नहीं यार हम एकदम इजीली चल रहे थे, एंड दोनों को भाई दोनों को पंच करने की पड़ी है भाई, मैं तो भाई साइड से निकल गया लेकिन क्या ही करे। तो यार टूर्नामेंट सबसे गंदी चीज़ पंच एंड हगे, इसको हटा देना चाहिए तो इसे रहेगा टूर्नामेंट टूर्नामेंट रहेगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर हम बहुत ही ईजिली गए, एंड यहाँ पर एकदम ईजिली यार क्वालिफाई कर गए, कोई ईजी नहीं था, आई मीन कोई कुछ नहीं था, एकदम ईजिली क्वालिफाई कर गए, एंड वो कराटे भी हक देती है पीछे, एंड क्या ही करें अब वो कराटे भी ला जाता है, मैं सोचा उसको एलिमिनेट कर दूंगा, बट देखा पीछे भाई दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है, तो मैं भाई भाड़ में जाए मैं जा रहा हूँ क्वालिफाई करने। तो यहाँ पर अभी वापस से आ जाता है लावा रश, एंड मेरी पोजीशन बहुत खतरनाक होती है तो मैं चला जाता हूँ इजीली, चारों के चारों ट्रिक मार लेते हैं सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखो क्या ही पंच का बारिश हुआ है भाई, मैं बच गया कराटे बच गई, उन दोनों को भाई धोया हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा सही लगा अपने को। तो यहाँ पर मैं फुल स्पीड से भाग रहा रहता हूँ, एंड कराटे भी अपने पीछे आ रही रहती है, एंड अभी मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, जो भी मेरे को बोलता है ना भाई भाई मेरे को मेरे से पार्टनर, मैं ना कुछ यूनिक लोगों के साथ पार्टनर बनता हूँ, मीन्स मैं बता दूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स मेरे को है ना ऐसा यूनिक यूनिक लोगों के साथ खेलने मज़ा आता है, लाइक मैंने ब्लेज के साथ आज तक कभी मैं पार्टनर बन के खेला नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा अपोनेंट रहते थे भाई, हमेशा मैं उसके साथ हमेशा अपोनेंट ही रहता था, तो इसलिए मैं उसके साथ खेला, एंड अभी मैं इनके साथ भी खेल रहा हूँ, तो वो सब छोड़ते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला ट्रिक करता क्योंकि मेरे को मालूम था वो ट्रिक कतई नहीं होने वाला भाई, उधर इतना भीड़ रहने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस मेरा पंच चूक गया, एंड वो बंदा भी हक देता है, कराटे ने भाई गिव अप कर दिया था, लेकिन मैं उसको बोला भाई आ जा फटाफट, तो उसका आ रहे थे लेकिन फिर से उसका ट्रिक फेल हो जाता है, क्या ही करें अब, तो वो नहीं आ पाती है। एंड जो बंदा स्टार्टिंग में जो दो बंदे हगे थे, आई मीन जो उनका बंदा हगा था, वो आके क्वालिफाई कर जाता है, तो कोई नहीं यहाँ पर आ जाता है सुपर सेट, एंड कराटे और मैं इसके अंदर बहुत अच्छे हो चुके हैं, एंड देखते गए देख रहे हो गाइस यहाँ पर वो दोनों बंदे अच्छा सा ट्रिक कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को बॉडी करके जो ही कांड खराब करते देख लो यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे ख़राब कर दिया गेम, मैंने उसका ट्रिक फेल कर दिया, उसने मेरा ट्रिक फेल करा दिया, तो यही हो जाता है सीन, जिसके बाद हम दोनों ये मैच में एलिमिनेट हो जाते हैं। उसका ऑलमोस्ट वो ज़्यादा भी दूर नहीं थी, उनके पीछे थी, लेकिन वो लोग का ट्रिक फेल नहीं होता जिसके वजह से वो लोग इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, एंड हम दोनों यहाँ पर हक देते हैं। तो हम वापस आ रहे थे सुपर स्लाइड, एंड हम लोग ने बोला था भाई अभी बॉडी नहीं करेंगे, अभी अच्छे से खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं होता हूँ इनके ज़रा से पीछे, एंड इस बंदे ने पंच करने का ट्राई किया जो मैं बचा, एंड इस बंदे ने पूरा मूड ख़राब कर दिया। FXT का जो ये बंदा था ना, इसको मन कर रहा था दो चार बजा के दूँ, अगर रियल लाइफ में मिल जाए ना भाई, इस उधर ही दो चार सन्न करके बजा के दूंगा मैं, जो ही हारा है ना भाई इसने,
भाई मूड ख़राब कर गया इसने, वो इसी गेम में भाई मेरा पूरा मूड ख़राब होने लग गया भाई। बोला क्या है बंदे ये भी क्यों पंच करते रहते भाई। एक तो जब से ना ये नया ट्रिक आया ना, मतलब ट्रिक बोल रहा हूँ नया, जो कि पंच मारने पे अपना स्पीड नहीं रुकता भाई, तब से भाई बंदे और धड़ाधड़ पंच कर रहे। बंदे को डर ही नहीं है भाई, मैं पंच देगा तेरे को क्या। तो छोड़ो, अभी हम वापस से जाते हैं यहाँ पर। अपनी भी ट्रिक फेल होती थी लेकिन बच गई भाई, ट्रिक मास्टर कर लिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आइस बॉल ऑलमोस्ट मेरे को फड़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, बंदे ने पंच करने में भाग गया भाई। गुस्सा आ रहा था भाई, तो भाई क्यों पंच करना है भाई, तेरा टीममेट आजू बाजू है नहीं, तेरे को क्यों पंच क्यों करना है। तो यहाँ पर भाई ये गाड़ी ने भी दिमाग गर्म किया, देख रहे हो बगल से भाई पूरा ग्रिप लेके भाग रहा हो। तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो नीचे वीचे चल रही थी। यहाँ पर हम इजीली क्वालिफाई कर रहे थे एंड यहाँ पर वापस आ जाता है लावा रश। एंड मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, कराटे भी जीते। लेकिन देखो यार ग्लिच देख रहे हो गाइस, स्कैम पे स्कैम होता रहता है। तो मैंने सोचा यार अब तो हेलमेट पक्का, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं देख रहा था बंदा मेरे से ज़्यादा आगे भी ही नहीं है, तो मैंने इसको बोला भाई तू जा मैं आ सकता हूँ। एंड यहाँ पर अभी इस बंदे ने हक दिया, मैं समझ जाता भाई ये पॉइंट में अपना दोनों का है। तो यहाँ पर बस मस्ती है, हम लोग जा रहे थे। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मस्ती भी करता हूँ देख यार क्या मस्ती करता भाई। अगर ये मस्तियाँ लिटरली है ना, मैं बोल रहा अगर मस्ती सच में सीरियस हो जाती है ना भाई, बहुत गंदा होता था सीन। मैंने उसको पंच दे दिया ऐसे टाइम पास में मस्ती मस्ती। एंड वो एक बंदा उसके पीछे आ गया, अगर वो गिर जाते तो भाई अभी हो जाता भाई अरे कोई नहीं यार, मस्ती उस्ती करते रहते हम। देख रहे हो टीम तुम्हारा भाई टूर्नामेंट में मस्ती करता है, इतना मस्ती हो रहे। तो वो सब छोड़ते हैं, मैं यहाँ पर अभी जाता हूँ वापस से। करेक्टर तीनों हक देते हैं भाई, और यहाँ पर मैं हक देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं यार मैं आगे रहता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता। एंड यहाँ पर मैं मस्त में टिप्स एंड ट्रिक्स करके जाने वाला था, मेरे को मालूम है। तो यहाँ पर मेरा एक यहाँ पर ज़रा सा टिप्स एंड ट्रिक्स फेल हो जाता है ज़रा सा, कोई नहीं यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस चलती रहेगी एंड लेट्स गो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो गाइस क्या स्पीड में जा रहा हो यार, मेरे को तो लगा ही था भाई मैं क्वालिफाई कर लूँगा, मेरे को उस कराटे पे विश्वास था भाई हो जा भाई तू क्वालिफाई हो जा, क्योंकि हम जिस पोजीशन पे थे उससे तो लग भी नहीं रहती हम फेस 3 पहुँच भी पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ज़रा जल्दी ड्राइव कर रहा था, अभी सीन हो जाता था कुछ नहीं। लेकिन तो यहाँ पर हम फेस 3 का देख लो गाइस, फेस 2 का मैं बोल रहा हूँ। देखो 32 टीम क्वालिफाई करने वाली थी, हम 59 पे थे ऑलमोस्ट, मतलब इसके आसपास 55 पे थे। तो हम यहाँ पर फेस 3 गंदा वाला एलिमेट हो गए। तो लेकिन कोई नहीं गाइस, मैं ना मजे के लिए खेलता हूँ गाइस, जो ही बोलते हैं ना कि टूर्नामेंट आ जाए मेरे साथ खेले भाई मैं तो जिता दूंगा फेस 3 पहुँचेंगे, मेरे को उनके साथ बिल्कुल पसंद नहीं खेलना, क्योंकि वो लोग बस टूर्नामेंट सीरियस एंड ये सब जीतने के लिए करते हैं, मैं टूर्नामेंट बस फन के लिए करता हूँ। तो यस गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया टूर्नामेंट खेलने को। एंड भाई इतने तगड़े तगड़े बंदे थे यार क्या ही बताओ यार, पिछले ब्लेजी और जब मैं थे भाई हम लोग लिटरली छः या तो 5 एलिमेंट हुए थे फेस 2 में, लेकिन तब भी हम लोग 36 पोजीशन पे। एंड अभी हम लोग भाई इतना कम एलिमेंट भी हुए इतना पहुंच गए, लेकिन कोई नहीं कहते चलता रहता है। लेट्स गो, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक गोल 1K लाइक कंप्लीट कर देना, बाय बाय।